हरियाणा की सियासत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा चर्चा गोकुल सेतिया की है और ये चर्चा सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में है। गोकुल सेतिया पूर्व मंत्री लक्ष्मणदास अरोड़ा के दोहते हैं। वो 2019 के चुनाव में इनेलो के सहयोग के साथ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर 600 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी चर्चा इन दोनों वजह से नहीं है बल्कि उनकी चर्चा इस वजह से है कि उनके फोटो देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के साथ उनकी फोटो वायरल हुई हैं। इसके साथ साथ वो सन्नी मुल्तानी के साथ भी उनकी फोटो वायरल हुई हैं, जो ड्रग्स के केस में अमेरिका की जेल में बंद है। यानी गोकुल सेतिया की इमेज को लेकर लगातार नेगेटिव चर्चा हो रही है। इसके बारे में गोकुल सेतिया ने लाइव आकर ये कहा है कि उनके साथ में साजिश हो रही है। सिरसा के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और यही वजह है कि उनके 10 साल पुराने फोटो को वायरल किया जा रहा है। गोकुल सेतिया ने यह भी कहा है कि उनका अब 10 साल से इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। कॉलेज टाइम की ये फोटो हैं, उसके बाद उनके संपर्क में नहीं है। 10 साल में कौन आदमी क्या बना है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने गोल्डी ब्राड के साथ में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की फोटो भी दिखाई है। पहले आप खुद ही देखिए कि लाइव आकर गोकुल सेतिया ने क्या कहा है। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी ब्राड के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ, कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। 10-15 साल पहले की, अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे, किसी को पता होता है? और मेरी एक ही आपको मैं फोटो दिखाता हूं, ये फोटो देखिए, इसमें ये पूर्व मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, खट्टर साहब, ये साथ में मैं खड़ा हूं, और ये रेड टी शर्ट वाला जो लड़का है इसके पीछे गोल्डी ब्राड खड़ा है। तो अगर ये उस समय गैंगस्टर होते अब से 10 साल पहले, तो क्या सीएम हाउस के नजदीक भी लग सकते थे? उसके बाद आपने सुन लिया होगा कि गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनका गैंगस्टरों से कोई रिश्ता नहीं है। गोल्डी ब्राड के साथ उनके कॉलेज के रिश्ते थे, वो रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं, और वो उनके साथ में गोल्डी ब्राड मनोहर लाल खट्टर के घर पर गया था। अगर वो गैंगस्टर थे तो सीएम की कोठरी में उनकी एंट्री कैसे होगी? अब हम गोकुल सेतिया के झूठ को एक्सपोज करने का काम करेंगे। गोकुल सेतिया ने पहली बात ये कही है कि 10 साल से उनके गैंगस्टरों से कोई रिश्ते नहीं है, कॉलेज टाइम की फोटो है। हम आपको बता दें, इस मामले में गोकुल सेतिया जनता और कांग्रेस दोनों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए आप ये 2019 की इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वीडियो 2019 में 20 अक्टूबर की है, जब गोकुल सेतिया सिरसा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके खिलाफ बीजेपी के प्रवक्ता ने केस दर्ज कराया था और उसमें की ये वीडियो है। इस वीडियो में अगली सीट के ऊपर आपको गोकुल सेतिया नजर आएंगे और पिछली सीट पर बैठे हुए बाहर मुंह निकाल रहे शख्स को जरा गौर से देखिए। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के बड़े गैंगस्टरों में रहे विक्की मिडू खेड़ा का है। विक्की मिडू खेड़ा का उनकी कार में होना इस बात का सबूत है कि गोकुल सेतिया सरेआम झूठ बोल रहे हैं और उनके आज भी गैंगस्टरों के साथ करीबी रिश्ते हैं। यानी गोकुल सेतिया आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 20 अक्टूबर की ये वीडियो उस समय की है जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सिरसा के हर नागरिक को 20 अक्टूबर 2019 की उस एफआईआर को जरूर देखना चाहिए, जिसमें गोकुल सेतिया के साथ में विक्की मिडू खेड़ा और तीन और लोगों के नाम शामिल हैं। गोकुल सेतिया की जो फोटो वायरल हो रही है उनमें एक फोटो के अंदर आपको दूसरा गैंगस्टर सन्नी मुल्तानी भी नजर आएगा। सन्नी मुल्तानी आजकल यूएसए की जेल में ड्रग के मामले में बंद है। यानी गोकुल सेतिया इस मामले में पाक साफ नहीं है बल्कि वो इस मामले में दागदार हैं। जहां तक बात खट्टर साहब के घर पर ले जाने की है तो इसके लिए कसूरवार गोकुल सेतिया ही हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं जब किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पर एक लोगों का जत्था जाता है तो ये देखा जाता है वो किसके साथ में आ रहे हैं, किसी विधायक के साथ में आ रहे हैं, किसी जिलाध्यक्ष के साथ में आ रहे हैं, किसी मंत्री के साथ में आ रहे हैं, किसी बड़े धार्मिक और सामाजिक नेता के साथ में आ रहे हैं। उनके साथ वाले लोगों की सिर्फ
संख्या गिनी जाती है, उनके नाम नहीं पूछे जाते, उनका रिकॉर्ड नहीं जांचा जाता है। यानी मुंडूलाल खट्टर की सिक्योरिटी को भी खतरे में डालने का काम गोकुल सेतिया ने किया है। गोकुल सेतिया सियासत में कामयाब होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और 2019 का चुनाव वो इनेलो के सहयोग से लड़े थे, लेकिन अब वो जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की शरण में चले गए हैं और कांग्रेस हाईकमान को भी उन्होंने अंधेरे में रखा है कि उनके गैंगस्टरों के साथ कोई संबंध नहीं है। हमने आपको साफ साफ दिखा दिया है कि 2019 में 20 अक्टूबर को चुनाव के दौरान खुद गोकुल सेतिया के चुनाव में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उसमें उनके साथ साथ विक्की मेडुखेड़ा भी आरोपी थे और विक्की मेडुखेड़ा की बाद में हत्या कर दी गई थी और ये हत्या करने में बम्बिहा गैंग का हाथ था। बम्बिहा गैंग पंजाब का बड़ा गैंग है और बम्बिहा गैंग के कारण ही पंजाब के बड़े गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और हत्या करने वालों में लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी ब्राड का हाथ था। गोल्डी ब्राड ने खुद ये कहा था कि उन्होंने बदला लेने का काम किया है, यानी विक्की मेडुखेड़ा की मौत का बदला लेने का काम किया था। यानी गोकुल सेतिया के करीबी संबंध उन लोगों के साथ में है, उस गोल्डी ब्राड के साथ में है जिसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम दिया था, साजिश रचने का काम किया था। अब गोकुल सेतिया किस मुंह से कहेंगे कि वो पाक साफ हैं? क्या वो लाइव आकर ये बता सकते हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं कि 2019 की 20 अक्टूबर को उनके कार के अंदर बैठा हुआ शख्स विक्की मेडुखेड़ा नहीं बल्कि कोई और है? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 20 अक्टूबर 2019 को सिरसा में दर्ज हुई FIR में उनके साथ विक्की मेडुखेड़ा का नाम नहीं है? यानी गोकुल सेतिया इस मामले में सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उनके गैंगस्टरों के साथ रिश्ते कायम हैं और यही वजह है कि उनके दामन को पाक साफ नहीं कहा जा सकता। देश के मोस्ट वांटेड गोल्डी ब्राड के सहयोगी साथी दोस्त गोकुल सेतिया को शामिल करके कांग्रेस ने अपनी छवि धूमिल करने का काम किया है। हम आपको ये भी बता दें कि दो दिन पहले ही कनाडा के अंदर देश के बड़े पंजाबी गायक AP ढिल्लों के ऊपर भी गोल्डी ब्राड ने हमला कराया है, उनके घर पर फायरिंग कराने का काम किया है। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों के साथ रहने वाले, ऐसे लोगों के दोस्त गोकुल सेतिया को पाक साफ कैसे माना जा सकता है? यानी गोकुल सेतिया जनता को झूठ बोल रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वास्तव में उनकी ये फोटो 10 साल पुरानी जरूर है, लेकिन जो वीडियो हमने आपको दिखाई है वो महज 5 साल पुरानी वीडियो है। यानी गोकुल सेतिया इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये वीडियो झूठी है और उनकी गाड़ी में बैठा हुआ शख्स विक्की मेडुखेड़ा है। यानी गोकुल सेतिया इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब देखने की बात यह रहेगी, क्या कांग्रेस हाईकमान इतने बड़े झूठ के एक्सपोज होने के बावजूद भी क्या गोकुल सेतिया को टिकट देने का काम करता है? क्या देश के विरोधी गैंगस्टरों के साथ दोस्ती रखने वाले गोकुल सेतिया को टिकट का तोहफा दिया जाता है या अपनी गलती को सुधार कर गोकुल सेतिया को टिकट से वंचित रखा जाता है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।